लखनऊ में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के सदस्यता अभियान की समीक्षा भी वो करेंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ बैठक भी करेंगे। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर महोबा जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 10:55 पर महोबा पहुंचने का है, जहां सबसे पहले राजकीय पॉलिटेक्निक ग्राउंड में समाजवादी पेंशन योजना के परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम में वो हिस्सा लेकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पेंशन योजना में 2000 लाभार्थियों को परिचय पत्र दिए जाएंगे, जबकि इस योजना में कुल 48,000 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद हेलीकॉप्टर से ग्राम करहरा कला जाएंगे और वहां पर बने 10 MW सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। सीएम की सुरक्षा को लेकर 3 ASP, 12 SCO, 3 प्लाटून PAC, 50 SI और 800 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए चित्रकूट धाम मंडल के DIG ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। DIG की बैठक में निर्देश के दौरान कई पुलिसकर्मी सोते नजर आए। मेरठ में बाल सुधार गृह से 91 बाल कैदियों के फरार हो जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। 18 कैदियों को पकड़ भी लिया गया है। मामला मेरठ के थाना नौचंदी का है। पुलिस अधिकारी बाल कैदियों को ढूंढने में लगे हुए हैं। इससे पहले भी कई बार बाल कैदी भाग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आज वकीलों की बड़ी हड़ताल है, जिसका फैसला यूपी बार एसोसिएशन ने महापंचायत के बाद लिया है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने को लेकर यह हड़ताल की जा रही है, जहां सूबे के सभी अदालतों में वकील कार्य बहिष्कार करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने माघ मेला स्थित हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कैंप कार्यालय में अधिवक्ता महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में दूसरे जिलों के जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए। अधिवक्ता महापंचायत में इलाहाबाद हाईकोर्ट की पश्चिमी में बेंच न बनने देने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का सीमा विस्तार भी न करने देने का प्रस्ताव पारित किया गया। वकीलों ने कहा कि अगर सरकार पश्चिम में हाईकोर्ट की बेंच बनाने और लखनऊ बेंच के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने पर विचार करेगी तो पूरे प्रदेश के वकील सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करेंगे। इस महापंचायत को 20 जिलों के जिला अधिवक्ता संघों ने समर्थन किया है। कई नेताओं के साथ ही सामाजिक संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी मथुरा पहुंचे। यहां गोवर्धन धाम में VSP के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राहुल और सोनिया गांधी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमारी सरकार 2016 तक निश्चित तौर पर राम मंदिर बनाने की कार्रवाई शुरू कर देगी और 2019 तक राम मंदिर बन भी जाना चाहिए। उन्होंने सोनिया पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तक राम मंदिर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि इटालियन बैठी हुई थी, लेकिन इस बार राम मंदिर बनने की पूरी संभावना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव मथुरा के गोवर्धन के सियाराम बाबा आश्रम में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल को किरण बेदी से बेहतर सीएम का दावेदार बताया। वहीं उन्नाव में पुलिस लाइन में मिले नरकंकालों के बारे में कहा कि ये पोस्टमार्टम के बाद रखे बिस्तरा का अंश है। आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने सीएम अखिलेश यादव प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ संकिसा पहुंचे। सीएम का हेलीकॉप्टर संकिसा मंडी समिति में बने हेलीपैड पर उतरा। यहां सीएम ने दलाई लामा से करीब 20 मिनट तक बातचीत की और सादा भोजन भी किया। दलाई लामा ने सीएम को एक अंग वस्त्र भी भेंट किया। दलाई लामा ने इससे भेंट के बाद सीएम ने कहा कि दलाई लामा से बातचीत का नतीजा निकला है कि सेकुलर सोच के लोग होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भी उसी सोच के पक्षधर हैं। दलाई लामा ने भी इसी बात पर जोर दिया है कि हमें बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। नोएडा में एक और बिल्डर की गुंडागर्दी सामने आई है। 3C बिल्डर नाम के इस बिल्डर ने किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया है और किसानों को धमकाता भी है। वहीं किसानों का कहना है कि बिल्डर ने यहां कुछ हथियारबंद लोगों को भी खड़ा कर रखा है, जिनसे वो किसानों को डराने की कोशिश करता है। यही नहीं, इस बिल्डर ने जबरन किसानों की जमीन पर लोहे के एंगल और टीन शेड भी गाड़ दिए हैं, जबकि किसानों को अभी तक अपनी इस जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया गया है और ना ही अभी तक नोएडा प्राधिकरण ने ये जमीन एक्वायर की है। गौतम बुद्ध नगर जिले में पंचायती राज खत्म होने से ग्राम याकूबपुर में जिले के सभी गांव के किसानों ने एक महापंचायत की। कई गांव के किसान महापंचायती राज खत्म न करने के लिए पंचायत में इकट्ठे हुए। इस मौके पर किसानों ने कहा कि पंचायती राज खत्म होने से किसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। किसानों का यह भी आरोप है कि तीनों प्राधिकरणों के
अधिकारी किसान कोई भी किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं किसानों के पक्ष में विधायक विमला बौथम भी पंचायत राज रोकने के लिए विधानसभा में भी आवाज उठाने की उन्होंने बात कही। फिलहाल किसानों का कहना है कि इसके विरोध में बड़ी बड़ी पंचायतें की जाएंगी और इस कदम को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। नोएडा में जिला प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन का काला कारोबार चल रहा है। प्रशासन के तमाम दावों के बाद भी अवैध खनन नहीं रुक रहा। खनन माफिया पूरी तरह से सक्रिय है और जेसीबी लगातार धरती का सीना चीर खनन कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के तमाम निर्देशों के बाद भी गोंडा जिले में अवैध खनन का खेल जारी है और प्रशासन मूक दर्शक बना है। पिछले दिनों न्यायालय में नोटिस देकर अवैध खनन पर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी और इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए थे। वहीं इस पूरे मामले में सूबे के एक ताकतवर मंत्री को भी नोटिस मिला था, जिन पर अवैध खनन माफियाओं को श्रेय देने का आरोप था। उस पर उन सब के बाद भी प्रशासन की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी है। जिले के कर्नलगंज, नवाबगंज, तर्बगंज इलाके में अवैध खनन धड़ल्ले का खेल चल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन इसे इत्तेफाक नहीं रखता। बदायूं में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दहेज के लोभी एक पति की जब दहेज की मांग पूरी नहीं हो सकी तो उसने अपनी पत्नी को दोस्तों के हवाले कर दिया। दोस्तों ने उसके साथ रेप किया। घटना थाना इस्लाम नगर के रियोनोई गांव की है। आरोप है कि दहेज न मिलने पर मोरपाल नाम के शख्स ने अपनी पत्नी का दोस्तों से रेप करवाया और जब उसने विरोध किया तो उसे लोहे की रॉड से जला भी दिया। पीड़ित जब परिवार वालों के साथ थाने पहुंची तो पुलिस ने उन्हें भगा दिया। खबर मीडिया में आने के बाद अब पुलिस जांच की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित को महिला थाने भेजा गया है, जहां उसका मेडिकल करवाने के बाद जांच की जाएगी। आगरा के थाना अतनादौला इलाके के गांव नाऊ की सराय में एक 3 साल की मासूम गांव में ही एक सुनसान जगह पर लहू लुहान मिली। बच्ची अपने माता पिता के साथ ननिहाल एक शादी समारोह में आई थी, जहां देर रात शादी समारोह से अगवा कर लिया गया। परिजन पूरी रात बच्ची को तलाशते रहे, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चला। बच्ची सुबह बदहवास हालत में मिली। बच्ची के पिता ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया है और पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई। इलाहाबाद में कलयुगी मां ने अपने ही 1.5 साल के मासूम बच्चे की जान ले ली। कोतवाली थाना क्षेत्र के जानसेनगंज मोहल्ले में एक महिला ने अपने ही जिगर के टुकड़े को जमीन और बिस्तर पर बेरहमी से कई बार पटक कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी घर के दूसरे लोगों को सुबह उस वक्त हुई जब वो लोग महिला के कमरे में पहुंचे। 1.5 साल के अर्जुन की लाश जमीन पर पड़ी थी। मासूम की मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया। घर वालों के मुताबिक बच्चे की हत्या करने वाली महिला विक्षिप्त है और इससे पहले भी वो अपने 2 बच्चों को मार चुकी है। महिला का पति लगातार उसका इलाज करवा रहा था, लेकिन 3 दिन पहले ही इस महिला के पति की भी मौत हो गई, जिसके बाद उसने अपने 3री संतान की हत्या कर दी। पुलिस ने महिला को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया है। मेरठ के शिवपुरम में एक पति ने अपनी पत्नी को अवैध संबंधों के चलते फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पत्नी वंदना पर पति सोमपाल पहले से अवैध संबंध को लेकर शक करता था, जिसके चलते आए दिन दोनों लोगों में झगड़ा होता रहता था। कानपुर थाना महाराजपुर इलाके के सरसौल के रामपुर गांव में आपसी झगड़े के चलते युवक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। गोपाल गांव के जीटीसी ईंट भट्टा में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक गोपाल के भाई ने बताया कि गोपाल का बाजार में सामान खरीदते समय मामूली बात पर भट्टे के अन्य मजदूर से झगड़ा हो गया था। मुरादाबाद के मझूला इलाके के खुशहालपुर में नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव पर किसी भी तरह के निशान नहीं है, जिससे लगा कि गला दबाकर हत्या की आशंका जताई गई। कानपुर की 98 टिनरिया यानी चमड़े के कारखानों पर ताला लग गया है। टिनरियों को बंद करने का आदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिया था। इस आदेश पर अमल करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और विद्युत विभाग की टीम ने कानपुर के राजमऊ इलाके की 98 टिनरियों की बिजली सप्लाई काट। हमीरपुर के रात से रोडवेज बस से आ रहे दंपति टप्पेबाजी का शिकार हो गए। ये दंपति रात से उरई जा रहे थे, जहां बस में किसी ने उनका बैग काटकर बैग से 8 लाख रुपए के जेवरात पार कर दिए। कानपुर के थाना गोविंद नगर रेलवे कॉलोनी से परीक्षा देने गया छात्र लापता हो गया। परिजनों ने काफी तलाश के बाद थाने में छात्र की गुमशुदगी दर्ज कराई। वहीं छात्र के लापता होने के से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।
जालौर में महाविद्यालय की निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से 5 मजदूर घायल हो गए। मामला थाना रामपुरा के जगमपुरा का है, जहां बिल्डिंग का छत उस समय गिर गया जब बिल्डिंग में मजदूर काम कर रहे थे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब लखनऊ से मडुरा डीही जा रही कृषक एक्सप्रेस के गाल लॉबीज में करियर कर्मचारी की लाश मिली। लोगों की ये सूचना तब दी गई जब गोरखपुर कृषक एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी हुई थी। गोरखपुर का कुरियर लेने गार्ड लॉबी के पास पहुंचा तो गेट पहले से ही खुला था। उसने अंदर जाकर देखा तो कुरियर कर्मचारी उमाशंकर सिंह की लाश जमीन पर पड़ी थी। ऊना के कोतवाली क्षेत्र के मगरवारा में एक एक्सीडेंट में युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। युवक के गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। गोरखपुर के आरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र के सामने रेलवे ट्रैक पर एक शख्स की लाश पड़ी मिली। ये शख्स राजस्थान के जिला जयपुर के गांव जोजराला थाना जमुआ के रहने वाला राजा राम आरपीएफ में भर्ती होने के बाद प्रशिक्षण केंद्र में ही रहकर प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन अचानक सुबह छात्रावास के सामने रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। झांसी के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने जमकर गुंडागर्दी की। पॉलिटेक्निक हॉस्टल के पास मैदान में क्रिकेट खेल रहे छात्रों का स्थानीय युवकों से बाइक को लेकर विवाद हो गया और उनकी जमकर पिटाई भी कर दी गई। मेरठ में शराब के नशे में धुत हैवान पति ने अपनी ही पत्नी पर जानलेवा हमला बोल दिया। मामला थाना इंचौरी क्षेत्र के बक्सर का है, जहां एक नशेड़ी पिता ने अपनी पत्नी को धारदार हथियार से काटकर वो फरार हो गया। यूपी सरकार भले ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के कितने ही दावे क्यों ना करती हो, उसके सारे दावे की पोल खुल जाती है। अलीगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर जिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सपा सरकार बात करती है, ऐसी व्यवस्थाएं या तो सपा नेताओं के भाषणों में है या फिर सरकारी फाइलों में। ललितपुर में लगातार मंडी परिसर में 2 दिन से हो रही चोरियों ने व्यापारियों को परेशान करके रख दिया है। खास बात हुई है कि जब से चौकी इंचार्ज वीरेंद्र स्वरूप ने चौकी का पदभार संभाला है, तब से चोर अधिक सक्रिय हो गए। आईएसआईएस के आतंक से खौफजदा इराक के 2 भाई अब वापस वहां नहीं जाना चाहते हैं, वो अलीगढ़ में ही बसना चाहते हैं। इराक की राजधानी बगदाद से 236 किलोमीटर दूर किरकुक शहर के रहने वाले 2 डॉक्टर भाई इब्राहिम नूरुद्दीन तुर्की और हुसैन नूरुद्दीन तुर्की जान बचाकर अलीगढ़ में रह रहे हैं। वहीं वक्त रहते अगर समझदारी दिखाई जाए तो कोई भी बड़ा हादसा टल सकता है, ऐसी ही समझदारी का उदाहरण पेश किया प्रतापगढ़ की रहने वाली महिला ने। दरअसल बनारस से चलकर नई दिल्ली तक जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस जब शनिवार की शाम तकरीबन 5 बजे प्रतापगढ़ रेलवे जंक्शन से पहुंचने वाली थी, तभी जगेसरगंज स्टेशन के पहले रेल ट्रैक टूटा हुआ था। ऐसे में एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन श्यामा पटेल नाम की महिला ने सूझबूझ दिखाते हुए पटेल पहले तो टूटी पटरी की सूचना फोन पर रेलवे अधिकारियों को दी और फिर ट्रेन के सामने करीब 2 किलोमीटर तक दौड़कर आई। झांसी में 11वीं के खूनहार छात्र ने मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग का मॉडल बनाकर पेश किया। अग्रसेन विद्या मंदिर के छात्र शिवांश के बनाए इस मॉडल को जापान में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चुना गया है। संगम इलाके में वैसे तो बड़ी तादाद में आपने भिक्षुओं को भिक्षा मांगते देखा होगा, लेकिन इन दिनों संगम के तट पर एक अनोखा भिक्षु है जो गंगा के लिए भीख मांगता है। पैसा या कोई सामान देने पर यह भिक्षु उसे विनम्रता से लौटा देता है और लोगों से कहता है कि भिक्षा में उसे सिर्फ ये प्रण दीजिए कि आप गंगा को गंदा नहीं करेंगे।